अभी ये स्कूल का बच्चे लोग जो आ गए हैं वो थोड़ा सा भी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, अभी सुबह का 8 बज गया और फाइनली फ्रेश होकर के रेडी हो गए। तो आज हम दो दिनों से तो ब्लॉग उतना आ रहा था बट उतना बढ़िया नहीं आया था। मुझे पता है आप लोगों को उतना पसंद नहीं आया वो ब्लॉग। चलिए आज आप लोगों को लेकर चलेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का कुछ ऐसे पैलेस घुमाएंगे ना जो कुछ मेरे लिए कुछ न्यू जगह है वो। चलिए आप लोगों को लेकर चलेंगे। अभी जाएंगे यहाँ से हम अपने स्टेशन के पास में, फिर स्टेशन पे 8:30 बजे आने वाली ट्रेन मेरी, फिर वहाँ से पकड़ के चलेंगे। चलिए लेकर चलते हैं आप लोगों को। जो भी लोग न्यू हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा चेक, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिले। चलिए चलते हैं। सो फाइनली गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं अपने स्टेशन के पास में। इतना स्पीड से घर के पास में ही है बट थोड़ा सा ये आगे ट्रेन भी आ गई सामने, थोड़ा सा जल्दी आना पड़ा मुझे कि लेट हो रहा था। 8:30 बजे ट्रेन है, 8:28 हो गया, बस 2 मिनट बाकी है, देखते हैं। बहुत जल्दी पहुँचे, प्लेटफार्म पे पहुँच चुके हैं, अब ट्रेन भी 2 से 3 मिनट में खुलने वाली है। चलिए चलेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली गाइस, अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं, देख सकते हो, बैठने मतलब आए हैं, अभी गेट पे हैं, अब जा रहे हैं यहाँ से। हमें तो लगा कि ट्रेन छूट जाएगी बट नहीं छूटा। चलिए लेकर चलेंगे आप लोगों को, घुमाएंगे आज। बोले गाँव रे लहर लहर लहराए फसलिया ई है हमरे गाँव रे। सो फाइनली गाइस, अभी हम पहुँच गए हैं विश्व शांति स्तूप वैशाली में, जो हम लोग के यहाँ से जो सोनपुर से ट्रेन चलती है ना, सोनपुर से ट्रेन वैशाली के लिए चलती है, वही ट्रेन से आए थे। थोड़ा सा लग रहा था कि लेट हो जाएगा बट हुआ नहीं, बहुत जल्दी पहुँच भी गए। लगभग 1.5 घंटे 45 मिनट लगा मुझे और हम पहुँच भी गए। तो वहाँ से फिर बस स्टेशन से मुझे लेना पड़ा ऑटो, फिर ऑटो से आ गए अभी विश्व शांति स्तूप वैशाली में। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम अंदर ही पहुँच गए हैं, गेट के अंदर आ गए हैं। चलिए अब आप लोगों को लेकर चलते हैं, पूरा घुमाते हैं यहाँ। वो जो सामने दिख रहे हैं ना, वो है विश्व शांति स्तूप वैशाली। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलेंगे, पूरा घुमाएंगे। अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, नहीं देख रहे हो? कोई नहीं देख, सुबह सुबह का टाइम है, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई भी लोग नहीं दिख रहे, मतलब 2-3 भैया लोग हैं आगे, देख रहे होगे आप लोग। चलो अब आप लोगों को लेकर चलते हैं पूरा। अभी तो ब्लॉग भी बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने में, सुबह सुबह का टाइम है ना, मस्त लग रही है। चलिए आज आप लोगों को विश्व शांति स्तूप के कुछ इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं, जो यहाँ पे बहुत पुराना इतिहास है। ये जो बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीति हुआ था ना, 4 प्रथम हुआ था राजगीर में, और दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। तो ये दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था, पहला हुआ था 483 में, जो बौद्ध संगीति हुआ था यही वैशाली में हुआ था। तो आप लोग, ये मंदिर की ऊंचाई 165 फीट है, देख सकते हो आप लोग कितना बढ़िया खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चलिए अब आप लोगों को ऊपर ले कर चलते हैं। ये दो दो से रक्षा कर रहा है। चलिए अब लेकर चल रहे हैं आप लोगों को ऊपर में, पूरा घुमाते हैं। अभी एक भी भीड़ नहीं है, जब ये न्यू ईयर होता है ना, 1 जनवरी, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। चलिए अभी आप लोगों को पूरा राउंड राउंड घुमाते हैं, फिर ऊपर लेके चलते हैं। और जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए एक एडवाइस दे दूँगा, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा, वैशाली स्टेशन पर रुक करके वहाँ से खरौना मोड़ के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद ये विश्व शांति स्तूप वैशाली, वहीं से गेट से थोड़ा सा अंदर है, बस 100 मीटर के आसपास डिस्टेंस है। बना रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो ना सारे लोग। चलिए अब सेकंड फ्लोर पे आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। गॉड्स, अब थोड़ा थोड़ा स्कूल के बच्चे लोग आ रहे हैं ना, कुछ कुछ वो धीरे धीरे बच्चे लोग आ रहे हैं, तो भीड़ हो रही है थोड़ा थोड़ा।
निर्माण जन्म बर्थ कृपया मूर्ति पर ना चढ़े जी। धर्म प्रचार में Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can. अभी ये स्कूल का बच्चे लोग जो आ गए हैं वो थोड़ा सा अभी भीड़ है, देख रहे हो ना। सो फाइनली गाइस, आप लोगों को विश्व शांति स्तूप घुमा दिए हैं, ये कैसा लगा बताना आप लोग कमेंट में ज़रूर। चलिए अब आगे वो कहाँ लेकर चलते हैं मुझे भी नहीं पता, चलिए लेकर चलते हैं। अब जहाँ घूम रहे हैं वहाँ आप लोग मेरे साथ साथ घूमिए, चलिए चलते हैं लेकर के, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। चलिए अभी हम बगल एक पास में ही विश्व शांति स्तूप के पास में ही खरौना पोखर है, वहाँ पे आप लोगों को लेकर चल रहे हैं अभी, चलिए लेकर चलते हैं। ये रहा गाइज खरौना पोखर विश्व शांति स्तूप के जो पास में है ना वो वाला, देख सकते हो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ये देख ही सकते हो आप लोग। पूरी दुनिया यार रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, कौन कौन सा डे पता नहीं, कौन कौन सा डे मना डे, और हम आप लोगों को ब्लॉग शूट करके दिखा रहे हैं, हम ब्लॉग बना रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है इसलिए ब्लॉग का चैनल उन्हें चुना था। अभी फ़िलहाल विश्व शांति स्तूप आप लोगों को घुमा दिए, अभी देखते हैं फिर कहाँ चलते हैं आगे, चलिए लेकर चल रहे हैं। यहाँ डेवलपमेंट किया है ना, और थोड़ा सा अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट, वैशाली का डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, तो चलिए लेकर चलेंगे अभी आगे, आगे देखते हैं कहाँ पे चलते हैं। सो फाइनली गाइस हम स्टेशन, ये ट्रेन से अभी